संसद में जो कुछ हो रहा पहले कभी नहीं हुआ। एक तरफ ताबड़तोड़ सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बौखलाए संसद लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियों पर ही उपराष्ट्रपति का मजाक बनाने लगे। जी हां, ममता बनर्जी के सांसद ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जिस तरह से नकल उतारी, देखने वाले भी शर्मिंदा हो गए। धनखड़ की नकल उतारने वाले टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हैं। हो सकता है कि उन्हें लग रहा हो कि यह लोकतंत्र में उनके विरोध का अपना तरीका है, लेकिन किसी की रीढ़ की हड्डी पर कमेंट करना कहां तक उचित है, यह सवाल उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए और पूछा जा रहा है। सवाल राहुल गांधी पर भी उठ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह के मजाक को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि वह कल्याण के कर्तव्य को मोबाइल से शूट करते रहे। लोग कह रहे हैं कि अगर विपक्षी दल राहुल गांधी को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो कांग्रेस नेता का व्यवहार भी तो उस तरह का होना चाहिए। दरअसल यह पूरा बवाल पिछले दिनों लोकसभा में घुसे प्रदर्शनकारियों के धुआं फैलाने का है। विपक्ष के सांसदों का तर्क है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री बाहर जाकर बयान दे रहे, तो संसद में बोलने से परहेज क्यों। दिग्विजय सिंह ने तो आज यहां तक कह दिया कि अगर वे लोग संसद में जहरीली सरीन गैस छोड़ देते तो सदन में जितने भी लोग थे 5 मिनट में चले जाते। सत्ता पक्ष अपनी बात पर कायम है, तो विपक्षी सदस्य संसद के दोनों सदनों को चलने नहीं दे रहे। अब धड़ाधड़ हंगामा करने वाले सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है। आज दोपहर तक 49 और सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़कर 141 हो गई है। यह आंकड़ा भी स्वस्थ लोकतंत्र की अच्छी तस्वीर पेश नहीं करता।